बना रहे हैं और उसमें हम आपको पूरा तरीकेकार बताएंगे। इस भाई के बालों में हमने कलर करना है और कलर करना है सिल्वर ग्रे या हैश ब्लू, तो जो है ना शेड देंगे हमने जो है ये रखे हैं इस तरह का कलर हमने करना है। ये हमने एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इस तरह का जो है ना हमने पूरा इसमें देना है और आप लोग जो है ना हमारी वीडियो को पूरा देखें और आप लोग को पता चलेगा पूरा स्टेप बाई स्टेप आप लोग को बताएंगे हम लोग। और इस भाई के बालों में जो है ना हमने लहरें निकालनी है, तो ये कलर हमने देना है इसको सिल्वर ग्रे का। एक सिल्वर ग्रे है और दूसरा जो है ना ये एश ब्लू है, एश ब्लू का कलर देंगे और आप लोग के साथ शेयर करेंगे। आप लोग अगर हमारी वीडियो पूरी देखेंगे तो तभी आप लोगों को पता चलेगा कि ये कलर आता कैसे। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो, और कुछ भी समझ नहीं आता तो आप लोग जो है ना हमें कमेंट में बता सकते हैं, तो हम उसका आप लोगों को जवाब देंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, तो आप लोगों को पूरा स्टेप बाई स्टेप बताएंगे। आप लोग वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखिए, इतना हो कि बीच में आपको स्टेप मिस कर दें और फिर आप बोलेंगे यार ये कलर तो आया ही नहीं है। शुरू करते, लेट्स गो। ये हमने स्टिचिंग कर रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं इन बालों को हम वो करेंगे। ये हमने लगा दिए कि बाल भी निकाल लिए, अभी हम इन बालों को जब टाई करेंगे ना तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो देख सकते हैं बाल इसके हमने निकाल लिए और भी निकालेंगे, और फिर जो है ना जो टाई करेंगे जो सिलाई करेंगे वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों को एक एक चीज़ बताएँगे स्टेप बाई स्टेप, और वीडियो के साथ जुड़े रहना है। अभी जो है ना हम ये ब्लीच बना रहे हैं। अच्छा, इसका प्रोसेस ये है कि आप जितना ये डालोगे उसके हिसाब से आपको पाउडर की मकदार जो है ना डबल डालनी है। जितना आपने लिक्विड डालना है 40 वॉल्यूम, ये देख सकते हैं 40 वॉल्यूम में 12%, और ये आप ये भी देख सकते हैं कि 40 वॉल्यूम का हम डालेंगे और हम जो है ना इसमें इसकी मकदार जो है ये है 30 सेंटी के हिसाब से ये हम इसमें डालेंगे और जो है ना हम करेंगे मिक्स। जितना अच्छा ये लिक्विड बनेगा उतने ही अच्छे आपके बालों में जो है ना 10 लेवल तक हमने लेके जाना है। पहले हम लगाएंगे, हमने बालों को जो है ना 10 लेवल तक लेके जाना है। 10 लेवल जब हो जाएगा तो बाकी का प्रोसेस हम आपको फिर शेयर करेंगे। इसी तरह आप जुड़े रहें हमारी वीडियो के साथ, स्टेप बाय स्टेप आप जब देखेंगे तो फिर आप लोग घर में भी कर सकते हैं, सैलून में भी कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप जब करेंगे तो फिर आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। सारी मेहनत होती है प्रोसेस की, आपका प्रोसेस सही हो तभी जो है ना एक चीज़ का रिज़ल्ट आता है। प्रोसेस सही होता नहीं है फिर रिज़ल्ट सही आता नहीं है। अक्सर भाई बोलते हैं कि यार हमने भी ऐसे किया था लेकिन कुछ हुआ नहीं। देख सकते हैं इसको अच्छी तरह मिक्स करना है कि पाउडर और लिक्विड कहीं जम ना जाए। तो हम अपने हाथों से ग्लव्स पहन लेंगे क्योंकि फिर इसको मिक्स भी करना होता है ना, तो हाथों को बचाने के लिए आप ग्लव्स पहन सकते हैं। ग्लव्स हम पहन लेते हैं और कोशिश आपने ये करना है कि बाल जो है ना आपके धूप से मतलब ड्राई हो, गीले ना हो, इस बात का आपने ख्याल रखना है क्योंकि गीले बालों में अक्सर जो है ना चीज़ें फिर अप्लाई नहीं होती हैं क्योंकि पानी मिक्स होता है। इस चीज़ में जो है ना आप देख सकते हैं बाल बाल धूप से धूप में। बालों को मिक्स करते जाना, जितने बालों को लगेगा मिक्स होगा उतना ही अच्छा होगा। ये भी हम इसको जो है ना लेके जाएंगे 7 लेवल तक, 7 लेवल, 7 लेवल के बाद फिर जो है ना हम इसको 10 लेवल तक लेके जाएंगे। जब तक आपके बालों का 10 लेवल नहीं निकलेगा तब तक आपका प्रोसेस मुकम्मल नहीं है। आपको कोशिश यही करनी है कि बाल अगर मोटे हैं तो 3 दफ़ा अप्लाई करें,
बाद अगर पतले हैं तो आपने जो है दो दफ़ा अप्लाई करना है। पहला प्रोसेस हमारा स्टार्ट है, पहले प्रोसेस के बाद देखते हैं ना, चार लेवल आता है, पांच लेवल आता है या आठ लेवल आता है, जो भी आता है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और आखिर में जो है ना, इसको जब आप लगा लो तो फिर आपने कवर कर लेना है बालों में, जितनी इसको मेकअप मिलेगी उतना जल्दी रिजल्ट आएगा इसका। फाइल से ढक देंगे क्योंकि काम और अच्छा होगा, क्योंकि जितनी गर्मी मिलेगी ना ये इसको जो है ना और अच्छा होगा। ये हम इसको भी जो है ना ढक रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग भी इस तरह जो है ना बालों को ढक देंगे, ढकने के बाद ये होगा कि जल्दी काम करेगा, गर्माइश मिलेगी ना जल्दी ड्राई होने के साथ साथ। और भी लगाएंगे, बालों को पूरा कवर कर लेना है। इसको स्टिंग भी मिलेगी, गर्माइश भी मिलेगी और हमारा 10 लेवल जल्दी आएगा। और वीडियो अगर आप लोग नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में ज़रूर बताएं हमें कि आप लोगों को हमारा काम कैसा लगता है। लो जी जनाब, ये हमने इस भाई के बालों को डाई कर लिए और इसको मोस्ट 10 लेवल तक ले आए, आप लोग देख सकते हैं। और अभी इस पे हम कलर अप्लाई करेंगे, वो भी जो है ना आप लोग के साथ शेयर करेंगे। देख सकते हैं आप लोग, अभी इस पे कलर चढ़ा नहीं है, ये सिर्फ 10 लेवल है, 10 लेवल आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह आप लोगों ने भी जो है ना इतना निकालना है कि येलो पिगमेंट जो है ना ख़त्म हो जाए। अभी येलो पिगमेंट जो है ना इसकी बिल्कुल आखिरी कोने पे है, लेकिन ऊपर जो है ना आप देख सकते हैं कि ये चीज़ इस तरह का जो है ना आपने डाई कर लेना है। अभी इसके बाल ड्राई हो चुके हैं, बस अभी जो है ना इस पे हम कलर अप्लाई करेंगे और वो भी फॉर्मूला आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि उसमें क्या क्या यूज़ करना है, आप लोगों ने प्रॉपर तरीका आप लोगों को बताएंगे। बस आप लोग जुड़े रहें, वीडियो एंड तक देखें, तभी आप लोगों को जो है ना फॉर्मूला पता चलेगा कि ये सिल्वर एश और सिल्वर ग्रे किस तरह चढ़ेगा। ये हम कलर बनाने लगे हैं, आप लोग देख सकते हैं कलर हम डाल लें। और इसमें जो है ना आपने डालना है, ये है यूटिलाइज़र 20 वॉल्यूम और हम इसको बनाएंगे। अभी पहले जो है ना अच्छा सा मिक्स करेंगे, आप लोग देखते रहें। इसमें ये इजी का एक 8.9 ग्रे और साथ में जो है ना इसका 7.4 लाइट ग्रे, ये हो गया। और दूसरा जो है ये सिल्वर इंस्टेलफुल, ये भी जो है ना आपने 3 डाल के और फिर जो है ना फॉर्मूला बना लेना है और जब अप्लाई करेंगे तो आप लोगों के साथ वो भी जो है ना शेयर करेंगे। जुड़े रहें आप लोग, एंड तक देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे।
कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर किसी भी भाई को समझ नहीं आया फॉर्मूला तो वो भी कमेंट में पूछ सकता है हमसे। कलर में भी अप्लाई कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग के सामने ही अप्लाई करूँगा। और जब आपका फॉर्मूला और वर्क अच्छा होगा तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, और इसका जो है इंशाल्लाह रिजल्ट आपके सामने। कोई छुपी छुपी नहीं है कि हम छुपा लें और आपको बोले कि यार नहीं ये देखो, आप लोगों के सामने हमने जो है ना फॉर्मूला लाना है। ये आप देख सकते हैं ये शेड आ रहा है, नज़र आ रहा होगा आप लोग को, फिर वॉश भी करेंगे तो आप लोग शेड करेंगे, शेड आप लोग देख सकते हैं। सारे दे बेटा देखिए रंग बताओ, दिखाओ नज़दीक से दिखाओ, ये देखें आप, देखो एश ब्लू, इससे ज़्यादा ना पूछना।